रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सीतापुर में भाजपा अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए यह तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि हमारे यहां यह कहा जाता है कि जिसने बूथ जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब योगी सरकार ने गुंडों को राइट टाइम कर दिया है। प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है। और मैं तो कह सकता हूं सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी बहनों भाइयों। कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई तो उंगली उठा के कह दे।